नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने लगभग सभी व्यवस्थाओं को अस्तव्यस्त कर दिया था। कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई, इसलिए कई सरकारी योजनाओं का काम अधूरा या ठप रहा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सभी जन कल्याण के सार्वजनिक कार्यों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। इस आशय के निर्देश महाराष्ट्र के पशुपालन, डेयरी विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने मौदा और कामठी तहसील की समीक्षा बैठक में दिए हैं। इस अवसर पर विधायक आशीष जायसवाल, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, उज्ज्वला बोधरे, भारती पाटिल, सरपंच अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 11 से 14 जून तक अपना नागपुर दौरा समाप्त कर मुंबई रवाना हो गए। उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर विदाई दी गई। एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, हवाई अड्डे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी यशवंतराव शरदकर मौजूद रहे। पिछले 3 दिनों में राज्यपाल ने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया था। राजभवन में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे भेंट की। नई अवधारणाओं को लागू करके ही हम जनोन्मुखी प्रशासन दे सकते हैं। प्रशासन में व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत की स्वीकृति ने कोविड जैसी स्थितियों से उबरना आसान बना दिया है। यह उद्धार नई पदस्थापना के तहत मुंबई नगर नियम के अतिरिक्त आयुक्त के बतौर स्थानांतरित नागपुर संभाग के संभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार ने व्यक्त किए। संभागीय आयुक्त कार्यालय में डॉ. संजीव कुमार को विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रभारी संभागीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी एवं अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तहसील क्रीड़ा संकुल परिसर में सभी आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और सिंथेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट तथा छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाने के निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिए। पालक मंत्री ने हाल ही में जरीपटका क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खेल परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, नागपुर सुधार प्रन्यास की अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्याय, तहसीलदार सूर्यकांत पाटिल आदि उपस्थित थे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु को 1 वर्ष पूरे होने पर महाराणा प्रताप चौक पर राजपूत करणी सेना द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए नारेबाजी की गई। पिछले साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। इसके बाद देश भर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और न्याय की मांग की गई। इस अवसर पर राजपूत करणी सेना के संदीप सिंह, अखिलेश सिंह आदि कार्यकर्तागण उपस्थित थे। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी ने 108वीं बार रक्तदान करने वाले डॉक्टर बालकृष्ण महाजन का शॉल, श्रीफल, सम्मान चिन्ह और दुपट्टे से अभिनंदन किया। इस समय गांधीबाग जोन सभापति श्रद्धा पाठक, समाजसेवी बृजभूषण शुक्ला उपस्थित थे। महापौर ने डॉक्टर महाजन के कार्यों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि युवा उनके कार्य से प्रेरित होंगे। डॉक्टर महाजन ने पहली बार एक एनसीसी कैडेट की जान बचाने के लिए 1978 में रक्तदान किया था। राष्ट्रीय नायक क्षत्रिय महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के अवसर पर पुराने मनपा भवन के मुख्य हॉल में महाराणा प्रताप सिंह के तैल चित्र पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र अभिवादन किया। इस अवसर पर उपमहापौर मनीषा धावड़े ने भी महाराणा प्रताप सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस समय सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय जोशी, जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप खरडेनविस, आशीष धावड़े, राजेश वासनिक उपस्थित थे। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर IGGMC के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्तदान शिविर के आयोजक के रूप में नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान का गुलाब का फूल, सर्टिफिकेट व पुरस्कार देकर स्वागत किया गया। वसीम खान का स्वागत IGGMC के ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉ. प्रदीप बुतले के हाथों किया गया। शिविर में 50 के करीब लोगों ने रक्तदान किया।
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की ओर से 17 जून गुरुवार को सुबह 10 बजे पुलिस मुख्यालय के अलंकार सभागृह में विशेष शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया है। पुलिस विभाग से संबंधित किसी भी शिकायत या किसी अन्य शिकायत को भी उस दिन इस विशेष शिकायत निवारण शिविर में नागरिक पुलिस आयुक्त के सामने रख सकते हैं। नागरिक इन शिकायतों को लिखित रूप में या ईमेल आईडी पर अथवा मोबाइल नंबर 9923004995 पर व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। राजस्थान में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में डॉक्टर आनंद बाबूलाल यादव ने 27 वर्ष की आयु में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल परिवार बल्कि नगर का भी नाम रोशन किया है। टूर्नामेंट में 27 राज्यों के 650 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। डॉक्टर आनंद यादव को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रजत क्लिनिक के निदेशक एवं आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर रजत राजू ढोले की प्रमुख उपस्थिति में सम्मानित किया। फडणवीस ने आनंद की तरह सभी वर्गों में युवाओं से आगे आने के संबंध में मनोगत व्यक्त किए। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सरकार से व्यापारियों को आर्थिक सहायता दिलाने में तथा महाराष्ट्र विधान परिषद में विदर्भ के व्यापारियों की ओर से चेंबर को सदस्यता दिलाने में सहयोग करने का निवेदन किया। इस अवसर पर चेंबर के सर्वश्री अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, उपाध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा, सचिव राम अवतार तोतला, कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी, शब्बार शाकिर व जनसंपर्क अधिकारी राजवंत पाल सिंह तुली उपस्थित थे। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सीताबड़ी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन पर महामेट्रो सरकारी मेडिकल कॉलेज और रेडियो मिर्ची 98.3 FM के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में नागरिक और मेट्रो के अधिकारी और कर्मचारियों ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया। पुलिस विभाग के जोन 3 के पुलिस आयुक्त लोहित मतानी ने रक्तदान किया। उन्होंने नागरिकों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक करीब 25 बार रक्तदान किया है। जरीपटका स्थित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय में दादा संगतराम आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 227 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 40% महिलाओं ने योगदान दिया। पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने भी आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तेजेंद्र ओबेरॉय, श्रद्धा नायडू, राजू ज्ञानचंदानी, प्रियंका पंजवानी, जगन केवल रमानी, सोनू केवल रामानी, किशन बालानी, दयाल चांदवानी, हरीश बिखानी, राजेश लालवानी, मनोज सहज रामानी, जीतू केवल रामानी, प्रकाश भोयर आदि ने सहयोग दिया। श्री कलगीधर सत्संग मंडल द्वारा गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस निमित्त कार्यक्रम में एडवोकेट माधवदास ममतानी ने बताया कि गुरुजी ने अनेक सामाजिक व परोपकारी कार्य किए। लाहौर में जिस समय महामारी फैली हुई थी तब गुरु अर्जन देव ने रोगियों की सेवा कर उनका दुख दूर किया। गुरु अर्जन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं श्री सुखमनी साहिब की रचना की। इसके अलावा उनके जीवन के कई तथ्यों पर प्रकाश डाला गया। गुरुपुरब पर आयोजित एक और संबंधित कार्यक्रम में MP4 में माधवदास ममतानी की वाणी का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भलाई केंद्र जरीपटका के माध्यम से कई स्थानों पर चना मसाला और शरबत का वितरण किया गया, जिसमें आहूजा नगर में सरोज किराना स्टोर के पास आहूजा नगर पंचायत समिति के सहयोग से चना मसाला और शरबत का वितरण किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति के अध्यक्ष राजकुमार ढोलवानी, उपाध्यक्ष दिलीप बदलानी और कन्हैया रूपचंदानी, हीरो मोटवानी, हरीश वंजानी, नरेश कुमार हरियाणी, संजय धामेचा, गुलशन वाधवानी, संदीप मनवानी, वरिष्ठ सदस्य हशमत राय धामेचा और सभी सदस्यों ने भी अपना योगदान दिया। कलामंच एवं आशीर्वाद मेडिकल फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित विश्व रक्तदाता दिवस कार्यक्रम शिक्षाप्रद एवं रोचक रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर दयाशंकर तिवारी ने की एवं विधायक गिरीश व्यास बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। IMA के अध्यक्ष डॉ. संजय देवतले व राजेंद्र जायसवाल की भी विशेष उपस्थिति रही। गायिका मानसी भांदककर के रक्तदान गीत के साथ कार्यक्रम आरम्भ हुआ। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान स्लोगन स्पर्धा के तमाम विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
विदर्भ में उद्योगों की दी जाने वाली सब्सिडी कायम है और सभी के साथ विचार विमर्श के बाद ही सभी उद्योगों को इस सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति निर्धारित की जाएगी। इस आशय का आश्वासन पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में उद्योगों को 1200 करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कुछ बड़े उद्योग ही सब्सिडी से लाभान्वित हो रहे थे। छोटे उद्योग भी इस सब्सिडी से लाभान्वित हो, इस दिशा में सरकार कार्य करेगी। विदर्भ का भविष्य बदलने वाली मिहान परियोजना में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट विदर्भ की तर्ज पर नई दिल्ली मुंबई में एक निवेश सम्मेलन का आयोजन करें। सफल परियोजनाओं का अध्ययन करने के बाद ऐसे विकल्पों का सुझाव दें। यह निर्देश जिले के पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने मिहान का दौरा करने के पश्चात आयोजित एक समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने इस परियोजना के तहत निवेश के क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इतवारी रेलवे स्टेशन का विस्तार कार्य चल रहा है। इस कार्य के दौरान निकली मिट्टी के कारण बारिश के नाले व अन्य नालों को बंद कर दिया गया है। इससे बरसात के दिनों में जलभराव हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सोमवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने समस्या को तत्काल सुलझाने के लिए रेलवे अधिकारियों व निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दौरा किया। इस दौरे में महापौर के साथ संजय महाजन, पार्षद नरेंद्र बोरकर, साधना पाटिल और रेलवे अधिकारी राम यादव, AK त्रिपाठी उपस्थित थे। कृषि विकास प्रतिष्ठान नागपुर शहर की ओर से प्रतिवर्ष स्वर्गीय मानिकलाल गांधी की स्मृति में दिए जाने वाला विदर्भ गौरव पुरस्कार इस वर्ष कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य करने वाले धीरज जुनघरे को दिया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें स्वर्गीय मानिकलाल गांधी के स्मृति दिन पर आयोजित समारोह में 24 नवम्बर 2021 को प्रदान किया जाएगा। 1,00,000 रुपये शॉल श्रीफल व सम्मान चिन्ह ऐसा पुरस्कार का स्वरूप है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।